हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो सबसे पहला चैप्टर है जिसकी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो है सिनानिम्स एंड एंटानिम्स। तो स्टूडेंट्स, ये टिप्स जो है आप फॉलो करके बहुत कम समय में जो सिनानिम्स एंटानिम्स याद करने में सफल हो सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअल में सिनानिम्स एंटानिम्स होते क्या हैं। तो वो ये है कि वेन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स मीन एग्जैक्टली सेम इन देयर मीनिंग, सो नियरली सेम आर सिमिलर आर टर्म्ड एज सिनोनिम्स। यानी दो शब्द जो आपस में मीनिंग में एग्जैक्टली सेम हो वो सिनोनिम्स कहे जाएंगे एक दूसरे के। देयर बाई अ सिंगल वर्ड कैन कैरी मेनी सिनोनिम्स। इसलिए एक सिंगल शब्द का जो है ढेर सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें, सिंपल का स्मूथ और इजी, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब इन सिनानिम्स का टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं कि सिनानिम्स को जो है सॉल्व करने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला ट्रिक्स ये है वो है कि इफ वन डज नॉट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस। अगर आपको शब्द का जो है मीनिंग समझ में नहीं आता है जिसका सिनानिम्स पूछा है, तो आप एक काम कीजिए ना, सबसे पहले उस शब्द को लेकर के जो है एक सेंटेंस फॉर्म कीजिए, और फिर उस सेंटेंस को फॉर्म करने के बाद जो है फिर उस वर्ड की जगह जो है दिए गए ऑप्शन से सारे वर्ड्स उठा करके जो है उसी सेंटेंस में रखिए, और देखिए जो है उस सेंटेंस से नियर अबाउट मीनिंग जो वर्ड दे रहा है वो वर्ड को चूज कर लीजिए आप लोग। और जो दूसरा जो है टिप्स है वो ये है, इन केस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट क्लियर, देन गो थ्रू ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्टार्ट टू निगलेट द रॉन्ग वन। सपोज डैट, मान लीजिए कि आपको शब्द का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो फिर भी आप क्या कीजिए, एक से दो बार जो है उस शब्द को पढ़िए, और दिए गए सारे ऑप्शन से जो है पढ़ते जाइए उन लोगों को, और जो है उनकी मीनिंग्स जो है समझने की कोशिश कीजिए, और आपको लगे कि जो मीनिंग उसके सबसे नियर है, समझ में आए आपको, उस पर आप जो है ट्रिक कर दीजिए या उसको चूज कर लीजिए। और जो तीसरा सबसे जो है इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है, दोनों से भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे इज डेट ट्राई टू मेक योर ऑन लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स एंड मीनिंग्स विच आर हार्ड इनफ टू लर्न एंड सी इट डेली। यानी वो शब्द जो आपके लिए जो है सबसे कठिन है, जिसकी जो है आपको सिनानिम्स नहीं याद हो रहे हैं जिस वर्ड्स की, तो आप एक काम कीजिए कि उन सारे वर्ड्स की एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार कीजिए, और प्रत्येक सुबह जो है आप उन्हें एक बार दोहराइए तहराइए, ठीक है। तो ये तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपको वो सारे सिनानिम्स याद हो जाएंगे जिनके वर्ड मीनिंग्स कठिन हैं, जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। अब एक बार एक नज़र डाल लेते हैं एंटानिम्स क्या होते हैं। तो एंटानिम्स एंटानिम्स आर द वर्ड्स विच मीन अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यानी दिए हुए शब्द का उल्टा शब्द ही क्या होता है, एंटानिम्स होता है। जैसे कि मान लीजिए एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो गया, तो एंटानिम्स भी कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली जो है एंटानिम्स तीन प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है ग्रेडेबल एंटानिम्स। तो ग्रेडेबल एंटानिम्स क्या होता है, बोथ द वर्ड्स लाई इन ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब ये एक लय में आते हैं, मतलब दोनों शब्द जो वर्ड है वो और जो उसका एंटानिम्स यानी विलोम है वो। जैसे कि मान लीजिए हार्ड एंड सॉफ्ट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, तो आपको लग रहा है ना कि बोलने पे जो है ये एक लय में आ रहे हैं। और जो दूसरा एंटानिम्स है वह है कंप्लीमेंट्री एंटानिम्स। तो इसमें क्या होता है, ओवर हियर बोथ द वर्ड्स डू नॉट लाई इन ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो किसी कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं दिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुश और पुल, देखिए कितना अंतर है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा है इसमें। और जो तीसरा एंटानिम्स है वो है रिलेशनल एंटानिम्स। यानी कुछ फ्यू काइंड्स ऑफ एंटानिम्स आर द वंस हु मेक सेंस ओनली वेन दे आर रीड टूगेदर। मतलब कुछ एंटानिम्स जो ऐसे होते हैं वो तभी कोई सेंस देते हैं जब उनको एक साथ पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर का विलोम क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ, या स्टूडेंट का विलोम टीचर हो गया, तो इनको जब एक साथ पढ़ा जाएगा तभी इनका कोई सेंस निकलता है। और जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मास्टर एंड सर्वेंट, तो इसमें भी देखिए मास्टर और सर्वेंट को जब एक साथ बोला जाएगा तभी कोई सेंस
निकलेगा। इनके कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जो पहला सबसे ट्रिक है वो है फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म ए सेंटेंस विद द गिवेन एंड देन ट्राई टू मेक द निगेटिव सेंस ऑफ द सेम सेंटेंस विद ऑल द ऑप्शन। सर्वप्रथम क्या कीजिए कि जो शब्द जिस शब्द का जो है एंटानिम स्पीच है पूछा है उससे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिए, और जब सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाए तो दिए गए ऑप्शंस के वर्ड्स उठा करके जो है उस सेंटेंस का निगेटिव बनाइए आप पहले। तो जिस वर्ड से आपको जो है ये मालूम चले कि उसमें हाँ निगेटिव सेंस आ रहा है तो उस वर्ड को आप चूज कर लीजिए स्टूडेंट्स। दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा टिप्स देख लीजिए क्या है, वो ये है कि ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द हार्ड वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स एंड जस्ट लुक एट इट डेली। और क्या कीजिए कि जो कठिन शब्द हैं एंटोनिम्स के जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और क्या कीजिए रोज सुबह जब उठिए या जब भी आपको प्रतिदिन समय मिले तो दो बार तीन बार आप उसे पढ़िए। ऐसा करने से देखिए 15 से 20 दिन के अंदर जो एंटोनिम्स आपको नहीं याद हो रहे थे वो फटाफट आपको याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज के जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का जो है ट्रिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, अगर आप चाहते हैं कि एयरफोर्स में आप बेस्ट नंबर पा सकें तो।